ਉੜ ਜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਵਾਂ। Hi everyone, welcome back to my vlog, my channel. मेरा नाम निखर प्रधान है और मेरे साथ आज दो नए मेहमान हैं, कंचन और हैदर। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं गदर 2, जो कि आज ही के दिन रिलीज़ हुई है, फ्राइडे का दिन है। आज फर्स्ट डे इवनिंग के शो में जा रहे हैं, पूरा हाउसफुल है और वही आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी जो थिएटर है। तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं गेटी गैलेक्सी के बारे में, जो मुंबई से नहीं है वो भी जान गए होंगे अगर वो मेरे चैनल से जुड़े होंगे। तो वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का माहौल आप सबने देखा है कैसा होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग भी एक्साइटेड है तो मैं इन लोगों को भी लेकर आया हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यस द वेट इज ओवर फॉर गदर 2। एक्साइटमेंट तो है और ये हैदर है, थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन ये मूवीज के बारे में काफी अच्छा जानते हैं, तो इसको भी इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो मूवी के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आपको सुनने हैं तो वो हैदर से मिल सकते हैं। तो हैदर, गदर 2 के बारे में क्या ख्याल है? कॉन्सेप्ट अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, टीजर अच्छा है, सो होप फॉर द बेस्ट। सो अब मूवी के बाद ही हम आपको फाइनल कंक्लूजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी तक जितनी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, अभी पूरे तो नहीं देखे, कि रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ऑब्वियसली गदर का इतना अच्छा वो रिसेप्शन था जब आई थी मूवी, तो इतने सालों बाद गदर 2 आ रही है, सनी देओल इतना टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं, अमीषा पटेल हैं, और सुनने में आया कि जो उसमें छोटे बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे गदर में, वो गदर 2 में अब बड़े हो गए तो उन्हीं को कास्ट किया गया, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो देखते हैं। तो अभी हम लोग अंधेरी वेस्ट में, वहाँ से अब हम बैंड्रा जा रहे हैं क्योंकि बैंड्रा में ही गेटी गैलेक्सी थिएटर है, तो वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या है। भैया अभी गदर 2 मूवी देखने जा रहे हैं, कितने बजे का शो जा रहे हो भैया बताओ? 12 बजे। 12 बजे का रात का 12 बजे हाफ मॉल का। कहाँ जा रहे हो? हाफ मॉल वहाँ 12 बजे का कहाँ शो है? 12:15 का होगा? नहीं, 12 बजे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। गदर हर जगह गदर मचा रही है। मूवी स्टार्ट हो गई है लेकिन मुंबई की ट्रैफिक ने वाट लगा दी है एक तरीके से, तो देखो कितनी लेट पहुँचते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रैफिक दिखा दीजिए ना। दिखा दो भैया, अभी जाके थोड़ा क्लियर हुआ है वैसे, पर अभी भी मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो हम लोग अभी आ गए हैं गेटी गैलेक्सी थिएटर में, देख सकते हो लेट हो गया है लेकिन शूट करना भी ज़रूरी है, तो जल्दी जल्दी शूट कर रहे हैं। बैक कैमरा से मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसा आ रहा होगा। तो अभी जल्दी जाएंगे, यहाँ बहुत भीड़ होती है जनरली, पूरा हाउसफुल है, लेकिन अभी भीड़ है नहीं क्योंकि सब भीड़ अंदर जा चुकी है, तो भाग के अंदर जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए। तो बस अब भाग रहे हैं, इन लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये लोग भी आए साथ में, अकेला मेरा व्लॉग नहीं है इसलिए। तो अभी अंदर चलते हैं, चलो 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 भागो। क्राउड देखिए, आपने क्राउड देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे। हाउसफुल है, इवेंचुअली पूरा हाउसफुल है, सिर्फ 3 ही सीट बची थी, वहां पे हम लोग आके बैठ गए बस। तो अभी इंटरवल हो गया, आपको मैंने दिखाया कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ है, भीड़ में शूट करना थोड़ा दिक्कत हो रही है, लाइट भी कम है यहाँ पे, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो पूछते हैं हमारे हैदर से इंटरवल में उसके क्या थॉट्स हैं, मैं तो आपको बताऊंगा, पहले हैदर से पूछते हैं। हमने इवेंचुअली मूवी का फर्स्ट हाफ काफ़ी मिस कर दिया है, राइट? हाँ, आधे घंटे का मिस किया है, बट हमें प्लॉट समझ में आ गया है, राइट? तो अब सिनेरियो ये है कि सनी देओल जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, ओके, अपने जो उनके जो बेटे हैं स्टोरी के प्लॉट्स के हिसाब से उनको लेने के लिए, राइट? ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, राइट? नाउ द थिंग इज कि हमें अब ये देखना है कि अब नेक्स्ट क्या होता है इवेंचुअली, कि अब सिनेरियो पूरा बदल गया, आप वो पाकिस्तान जाएंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। सो अब ये देखना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, कॉन्सेप्ट क्या होने वाला। और हाईलाइट इसकी स्टोरी से ज़्यादा जिसके लिए इतनी भीड़ आई है वो है सनी देओल को देखने के लिए, एंट्री को देखने के लिए, फाइट सीन को देखने के लिए, स्लो मोशन एंट्री, स्लो मोशन फाइट। अभी सेकेंड हाफ में जो गदर मचने वाली है वो बड़ी कमाल की होने वाली है, उसको शायद ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ हम अपने एक्साइटमेंट से आपको बता सकते हैं कि मूवी हमको अभी तक कितनी अच्छी लगी है, हालांकि हमने स्टार्टिंग का आधा घंटा मिस कर दिया था उसके बावजूद भी। चलिए स्टे ट्यून्ड, आगे देखते रहिए। सनी देओल जाएंगे इंडिया से उधर और तब मचेगी गदर, आप देखते रहिए गदर।
जिसका बाप जिंदा हो उस बेटे को क्या फिक्र, उसने मेरी ये हालत देखी तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा। पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमोगे। भीड़ देखो भैया, भीड़ देखो, अलग ही भीड़ है। अभी अगला शो भी सोल्ड आउट है, अगला शो भी सोल्ड आउट है। नेक्स्ट शो की लाइन देखो भाई, नेक्स्ट शो की। तो मूवी हो गई ख़त्म और चिल्ला चिल्ला के मेरा तो गला बैठ चुका है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मूवी कैसी है। ज़्यादा तो शॉट्स नहीं दिखा पाया मैं अंदर की, तो पहले जानते हैं कि हैदर और कंचन की मूवी कैसी लगी। बेसिकली मूवी अच्छी थी, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है उन्होंने एक लेसन दिया है कंक्लूजन पे, राइट। तो ह्यूमैनिटी जो है सबसे बड़ा रिलीजन है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट आता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द हु वाज द फिल्म डायरेक्टर, अनिल शर्मा शायद, अनिल शर्मा। सो द कॉन्सेप्ट बाय अनिल शर्मा, द डायरेक्शन वाज आल्सो गुड, सो आई रियली अप्रिशिएट द एंडिंग। कंचन Awesome getting Galaxy का experience था, तो लाइक इट वॉज ऑसम, जैसे निकल ने बताया था, यू नो जो क्राउड की जो आवाज़ थी, जो उनका जोश था, इट वॉज फैब। और लिटरली जो गाना था वो, यू नो कौन सा गाना था वो, जो फेमस गाना है, बहुत सारे थे, राजा परदेसी था, राजा परदेसी पे लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, लिटरली मेरे आँख में आंसू तक आ गया था, निकल ने देखा नहीं होगा अंधेरे में, बट लिटरली आई वॉज क्राइंग बिकॉज द लव फॉर डैड एंड सन वॉज रियली रियली commendable, I can say. और माहौल तो पूरा इलेक्ट्रीफाइंग था। ये मेरे ख्याल से 1000 seater का थिएटर है गेटी गैलेक्सी, और इसलिए ऐसी मूवीज को देखने के लिए मैं हमेशा गेटी गैलेक्सी ही आता हूँ। पठान देखने आया था, किसी का भाई किसी की जान देखने आया था, और इस बार गदर 2 देखने आया था। तो हर बार जब भी इस तरह की मूवी आती है, एक्शन मूवी या फिर स्टार वाली मूवी, वो मैं इधर ही देखने आता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो ये बात जानते ही होंगे। तो माहौल तो इतना ज़बरदस्त था, इतने लोग चिल्ला रहे थे, इतना लोग पागल हो रहे थे। अभी भी नेक्स्ट शो पूरा हाउसफुल है, पूरा हाउसफुल है। आप, मैंने जाके बुक माई शो पे भी देखा तो एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, पूरा ग्रेड आउट है, हाउसफुल था। तो मतलब इसका क्रेज एक अलग ही लेवल का है। और वापस गदर 1 की जो वाइब्स थी और बोलते ना जो मेमोरीज थी, उसको भी अच्छे से रिवाइव किया। बस एक चीज़ थी जो मतलब बोलते ना, नेशनलिज्म बहुत अच्छा था, बस थोड़ा हेटरेट को थोड़ा कम कर सकते हैं, आज के टाइम पे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, गदर की वो पहचान है, गदर 1 में भी वैसा था, तो ठीक है, उतना चल जाएगा। लेकिन मूवी क्योंकि एंजॉय करी तो इतना छोटी मोटी चीजें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ मजा तो बहुत आया। अगर थैंक्स निकर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑसम एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं थिएटर जाती हूँ, मूवीज देखती हूँ, यू नो मेरे एरिया में अंधेरी में, बट ऐसा इलेक्ट्रिफाइड एक्सपीरियंस, जो लोगों का जोश था, जो ऑडियंस की आवाज़ थी, यू नो द वे दे आर चीयरिंग अप,
एंड मेरा गला भी चला गया है ऑलमोस्ट. थैंक यू सो मच लेकर. मल्टीप्लेक्स में वो फील नहीं है. एक्चुअली यू आर राइट. मैं सोच रही क्या है मतलब गेटी में क्या है. यू लाइक गेटी गेटी गेटी. आज मालूम पड़ा गेटी इज समथिंग यू कैन एक्चुअली लिव द बॉलीवुड वाइब. लोगों का जो बोलते ना अंदर जो खुशी है लेकिन एक्सप्रेस कोई रुकना नहीं है. रुकना नहीं है यहाँ पर. बस अपना जी भर के चिल्लाना है यहाँ पर. मसाला मूवी के लिए मसाला क्राउड भी चाहिए होता है ना. सोफिस्टिकेशन से थोड़ा बाहर आना पड़ता है कभी कभी लाइफ में. तो हैदर तुम्हारे फाइनल थॉट्स तो बताओ. इट वॉज गुड. लेकिन जो व्यूअर्स है वो ये जानना चाहेंगे निखर व्हाट वाज द प्राइस और जो गेटी गैलेक्सी है वो कहाँ पे है एक्चुअली. वैसे मैंने बताया हुआ है वीडियो में पहले अपने पिछले ब्लॉग्स में. गेटी गैलेक्सी बेसिकली ये अपने बांद्रा में है. तो जो लोग मुंबई में है और नहीं जानते हैं तो आ सकते हैं. और जो कभी मुंबई आएंगे तो आ सकते हैं यहाँ पर भी. मोस्टली यहाँ पर अगर आपको आना है तो सिंगल स्क्रीन थिएटर है ये. तो मतलब बेसिकली जो कमर्शियल सिनेमा होता है जो स्टार ड्रिवन सिनेमा होता है मतलब जिसका प्लॉट स्टोरी से ज़्यादा कह सकते हैं स्टोरी होती है लेकिन बेसिकली लोग स्टार्स को देखने आते हैं. एक्शन मूवीज को देखने आते हैं. एक्शन सीन्स को देखने आते हैं. right. और बहुत सारे जो अपने फेमस एक्टर्स हैं वो तक यहाँ पर आए हुए हैं. आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं मूवी का रिएक्शन और रिस्पांस देखने के लिए. रणवीर सिंह यहाँ पे क्या प्राइसेस है मूवी. प्राइसेस बहुत चीप होते हैं. आज फर्स्ट डे का शो था हमारा. हमारी नीचे की सीट थी वो भी 130 की हमको मिली है. तो मतलब आप इमेजिन करिए फर्स्ट डे को भी हमको 130 की सीट मिल रही है. तो प्राइसेस बहुत चीप है रीजनेबल है. थिएटर पुराना है तो उस सेंस में भी देखें तो अच्छा है. लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है मेरा गला बैठ गया उसके हिसाब से जो है बहुत बहुत सस्ता है थिएटर. सो जब निकल ने मुझे बताया कि यू नो कि इट्स 150 की भी फर्स्ट डे कैन आई वाज लाइक शॉक. 150 की तो बालकनी की थी. हम लोग को नीचे की मिली वो 130 की थी. 200 का पॉपकॉर्न मिला सिर्फ 50 रुपीस में. इट वाज लाइक अ वर्थ. मैं कभी आज तक पॉपकॉर्न नहीं खाई हूं कोई थिएटर में जाके. बट यहां पे आई गेस दिस इज द बेस्ट. क्राउड अच्छे है लोग अच्छे पर थोड़ी एसी कम है तो क्या ही हो गया. एसी का हवा नहीं खाना है हमें. पॉपकॉर्न खाना है हमें. यहाँ वाइब के लिए आते हैं भैया. वाइब के लिए आते हैं. वाइब यही मिलेगा. एसी चाहिए तो आप मल्टीप्लेक्स में जा ही सकते हैं. पर ये मूवी मल्टीप्लेक्स में मत देखो इधर ही आके देखो. मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है गेटी में. आई गेस मुझे हर मूवी अभी गेटी में आके देखना है निकर के साथ और बहुत व्लॉग्स बनाना है. यस एंड इट वॉज वर्थ निकर. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. मैं तो अब इन लोग का मन था तो मैंने बोला चलो चल लेते हैं. लेट्स वी विल आल्सो सी सम. वो हैदर जो है ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन टू द पॉइंट बात करता है. आई वुड से कि यू गो एंड वॉच एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एज वेल टू निखर चैनल. थैंक यू सो मच. वो तो आप लोग समझदार हैं. आपको पसंद आया होगा तो निखर इज द बेस्ट. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिम. यार इतना तो बनता है. आपके लिए इतनी प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाता है जो वो आपको हर एक बात का अपडेट देता है. वो इतना तो बनता है यार. मैंने पैसे नहीं खिलाए और ऑनेस्टली बोल रहे हैं लोग तो ठीक है. आप लोग समझदार हैं. पसंद आएगा तो अपने आप कर ही देंगे. नहीं आएगा तो कोई फोर्स की बात नहीं है. तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को. तो अभी इस ब्लॉग को बंद करते हैं और गदर 2 प्लीज जाके देखिए. हो सके तो सिंगल स्क्रीन में देखिए. आप OMG 2 भी देखेंगे और देखेंगे तो आपको जरूर बताएंगे. और देखेंगे तो यही देखेंगे. हम देखते हैं उसका क्या प्लान बनता है. तो बस अब इस ब्लॉग को हम ये बंद करते हैं. और अपना ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जैसे मैंने बोला आप कर ही सकते हैं. टेक केयर गाइस. तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले ब्लॉग में. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय.